नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें सीएम हाउस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर और यहां सवा महीने से बैठे एक्स होमगार्ड के कर्मचारी जिन्होंने 5 साल 10 साल 15 साल 3 साल से जो काम किया है और उनको जो है वो हटा दिया गया इसके, और जो एक्स जो होमगार्ड है वो बेचारे टकटकी लगाकर जिनको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं सालों से कि तुम्हें जब महिला सुरक्षा के लिए जब लगाया जाएगा तो आप लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आप लोगों को सबसे पहले लगाया जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे, ओपी पाल जी हमारे साथ में हैं, और पाल जी क्या डिमांड है आपकी खुलकर? हमारी यही डिमांड है, जिस प्रकार आपने 2016 में 52 महिला होमगार्ड की वापसी की और उसके बाद जो है 2019 में अभी 6 महीने पहले 193 होमगार्ड्स की वापसी की और उसके अलावा 2009 बैच के 2014 में डिस्चार्ज होने के बाद उनको सेवा विस्तार का अवसर दिया जा रहा है, उसी प्रकार हम समस्त एक्स होमगार्ड की बिना शर्त वापसी की जाए और 60 वर्ष तक लगातार सेवा करने का अवसर जैसे अन्य राज्यों में मिल रहा है वैसे दिल्ली में भी मिलना चाहिए। जब धारा 370 कश्मीर से हट सकती है तो दिल्ली होमगार्ड के होमगार्ड एक्ट में भी संशोधन किया जा सकता है। यही हमारी दिल्ली सरकार से और महकमे के अधिकारियों से बार बार गुजारिश है। हम लोग एकदम गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से, पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक 19 अगस्त से कंटिन्यू धरने में हैं कि हमारी सरकार से और सरकार के अलावा महकमे के अधिकारियों से बार बार यही गुजारिश है कि हमारी बिना शर्त वापसी करें और हमें भी महिलाओं की सुरक्षा में सेवा करने का अवसर प्रदान करें। आपके मंच के माध्यम से हम सभी की यही डिमांड है कि हम सब की बिना शर्त वापसी हो। इसी से आप लड़ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है, मतलब सालों से आप बता रहे हैं? सालों से हमारा जो है 2009 बैच को 2014 में डिस्चार्ज कर दिया गया था। अच्छा। उनके 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद और उन्होंने जब धरना आंदोलन किया तो हम भी उनके साथ में धरने में थे, उन्हीं के द्वारा हमारा भी रास्ता खुला। जब 2009 बैच 2014 में डिस्चार्ज होने के बाद अभी तक उनको सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारी यही सरकार और महकमे के अधिकारियों से बार बार गुजारिश है कि हम भी एक्स होमगार्ड हैं, कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं है, हम सभी एक्स होमगार्ड, क्या दिल्ली के हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है? यही हमारी बार बार डिमांड है। शांतिपूर्वक, पीसफुल्ली, अहिंसावादी, गांधीवादी तरीके से हमारी यही बार बार गुहार लगाई जा रही है और जिसको सरकार के द्वारा और महकमे के अधिकारियों के द्वारा बहुत जल्द ही क्या नाम है हमारी वापसी का वो ऑर्डर निश्चित करने वाले हैं और सालों की हमारी जो मेहनत है, हमारा मिशन वापसी आंदोलन है, वो साकार होने वाला है। आपके मंच के माध्यम से हम अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। चलिए, धन्यवाद जी। तो ये थे देखिए पाल जी, तो आरपी पाल जी जो है सालों से एक्स होमगार्ड की जो समस्याओं को रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, मगर उनकी जो है कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है और उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि अब की बार जो है आपको जितने भी एक्स जो होमगार्ड है, चाहे महिला हैं, महिलाएं भी देखिए काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है मौजूद है और अपनी हक अधिकार के लिए वो यहाँ पर रोजगार के लिए इस देश में जो है भारत सरकार के होते हुए जो बीजेपी सरकार है और केजरीवाल सरकार है जो बिल्कुल ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार जो है बीजेपी है, सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो है आम आदमी पार्टी है, मगर वहीं जो है हज़ारों की संख्या में जो है होमगार्ड, एक्स होमगार्ड जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इनका रोज़गार छीना जा चुका है और महिलाएं बेचारी आस लगा कर ये बैठी रहती हैं कि चलिए केजरीवाल साहब एक अच्छे नेता आए हैं दिल्ली के अंदर, वो इनकी सुनवाई करेंगे, मगर वो भी जो है केजरीवाल साहब जो है वो भी आश्वासन इनको दे देकर जो है वो टला रहे हैं और ये सवा महीने से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और इनकी कोई ना तो मीडिया दिखा रहा है ना कोई पेपर छाप रहा है। तो आज जागो समाज चैनल यहाँ पर आया है इनकी सूझबूझ लेने के लिए और इनकी समस्याएं जानने के लिए, तो काफ़ी संख्या में देखे यहाँ पर लोग मौजूद है और शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल कोई हताहत यहाँ पर नहीं है, पुलिस भी यहाँ पर बैरिकेड लगाकर मौजूद है, मगर पुलिसकर्मी बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी हताहत इन होमगार्ड की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल इनका कहना है कि
हमारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अंजाम दे रहे हैं। और केजरीवाल साहब को ये सोचना चाहिए कि इतनी शराफत से जो एक्स होमगार्ड जो अपनी डिमांड कर रहे हैं उन बेचारों की जो सुनी जाए। जब आपने होमगार्ड लगाने हैं, सुरक्षा के लिए बसों में भी आपने तैनात करने हैं, तो क्यों ना इन एक्स होमगार्ड को ही वापस रिटर्न किया जाए, बुलाया जाए। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।